अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ी, आपका टीचर हमजा मसूद। और आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। बड़ा फेमस लॉ भाई, बहुत फेमस लॉ है ये। मोस्टली हमारे पास ईएमटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक होता है और हमारी बुक का भी ये पहला टॉपिक है। टॉपिक नंबर है जी 12.1। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि इस लॉ को इतनी अहमियत दी जाती है और मोस्टली टॉपिक नंबर 1 भी होता है। अब कूलम जो था ना भाई, इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है कूलम्स लॉ। अगर हम गौर से देखें तो जो कूलम लॉ है ना भाई, ये एक लॉ है। और लॉ मैंने आपको पहले बताया था कि एक ऐसी थ्योरी जो एक्सपेरिमेंटली क्या हो चुकी होती है भाई, वेरीफाइड। तो इसका मतलब है कि ये एक थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंट के लिहाज से बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी है, ये एक प्रॉपर लॉ है। अब ये जो हमारा कूलम्स लॉ है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस मिली है कि आपके पास जो चार्ज है ना भाई, उस चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम्स के नाम पे रखा गया है, जिसे कहते हैं जी कूलम। इसे हम कैपिटल सी से जाहिर करते हैं। क्या आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें 1.61 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, उस लेक्चर के मुताबिक हमारे पास, अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस हों तो इनमें क्या होती है जी, दुश्मनी। मैं तेरा दुश्मन, वही वाला। और अगर भाई कैसे चार्जेस हों जी, ऑपोजिट चार्जेस, तो इनमें क्या होता है, प्यार है। अब हमें पता है कि अगर ये हुए दुश्मनी वाले, तो ये दुश्मनी जाहिर करने के लिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल रिपल्शन करेंगे। और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अगर मैंने आपको धक्का देना हो या आपको खींचना, यानी कि पुश या पुल करना हो, यार पुश एंड पुल तो फोर्स होती है। इसका मतलब है कि ये चार्जेस अगर सिमिलर हुए तो ये एक दूसरे पर पुश कर देंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। और अगर ऑपोजिट हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पुल करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे जी, फोर्स लगाएंगे भाई। अब जो हमारे कूलम भाई है ना, इस बंदे ने सोचा यार क्यों ना ये जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इस फोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू, यानी कि इसकी मेजरमेंट की जाए और किन फैक्टर्स पर ये फोर्स डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स निकाले जाए। तो लो भाई, कूलम भाई काम पर लग गए और कूलम भाई ने 1784 AD में एक अपना लॉ बनाया जिसको आज दुनिया जानती है कूलम्स लॉ के नाम से। कूलम जो है, इसका फुल नेम हमारे पास आता है जी, चार्ल्स अगस्तीन डी कूलम। और ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में इसने एक डिवाइस यूज की, वो डिवाइस है जी टॉर्शन बैलेंस। उसकी मैं इमेज इधर वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा और वैसे भी इधर बनाकर हम देखते भी हैं। टॉर्शन बैलेंस, उसकी मदद से इसने देखा कि भाई फोर्स कितने किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू कितनी है, कैसे वो ज़्यादा हो सकती है और कैसे वो कम हो सकती है। एक्सपेरिमेंट से इसने वो किया और इसके एक्सपेरिमेंट के तकरीबन कुछ 13 साल लेटर सेम डिवाइस यानी कि टॉर्शन बैलेंस को कि वैंडिश ने यूज़ करके
हमारे पास जो वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी स्टडी की। याद रहे बच्चों कि हम इस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको पहले बताया कि भाई हम चार्ज को डिस्कस करेंगे, बट कंडीशन ये है कि चार्ज भाई एट रेस्ट होगा। एक और टर्म होती है इसमें, उस टर्म का नाम है जी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये देखते हैं क्या एक चार्ज तो बहुत मुश्किल है कि हमें एक मिले। तो ये पॉइंट चार्ज फिर क्या चीज है, पॉइंट चार्ज क्या है या पॉइंट चार्जेस ये क्या चीज है कि भाई अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, उन बॉडीज के दरमियान का जो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से बहुत ज्यादा है, तो वो दोनों बॉडीज बिहेव करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज। लेट्स सपोज मेरे पास एक फुटबॉल है एक और है, ये दोनों आपस में बहुत करीब है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर नहीं देंगे। लेकिन अगर ये फुटबॉल इधर पड़ा है और एक फुटबॉल दूसरा इस जगह पर पड़ा और इनका डिस्टेंस आपस का बहुत ज्यादा है, तो ये फुटबॉल भी एज अ बिहेव करेगा कैसा, पॉइंट चार्ज का, और जो दूसरा फुटबॉल है वो भी बिहेवियर देगा एज अ पॉइंट चार्ज का। अगर इनका डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं रहेंगे। आप छोटी बॉल्स भी ले सकते हैं, बड़ी बॉल्स भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज मच मच लार्जर देन देयर साइज देन द बोथ बॉडीज विल बिहेव एज पॉइंट चार्जेस। अब हम जरा चलते हैं कूलम्स के उस एक्सपेरिमेंट की तरफ जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इमेज इधर पिन की थी। उस एक्सपेरिमेंट में भाई क्या था कि ये आपको एक ऐसा बॉक्स सा नजर आया था, उस बॉक्स के अंदर यूंगर के एक रॉड सा आपको नजर आया था, उस रॉड के अंदर एक और आपको एक रॉड ऐसा लगा हुआ था, उस रॉड के ऊपर आपने देखी होंगी दो बॉल्स आपको नजर आ रही होंगी इधर और इधर, दो सफेद, और एक इधर से एक्स्ट्रा एक बॉल लगी हुई थी, और इसके अंदर क्या लगा हुआ, एक स्प्रिंग टाइप टॉर्शन सा लगा हुआ, और इसके ऊपर ऐसे एक मीटर सा है जो क्या देगा आपको कैलकुलेशन। तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा था। अब कूलम ने क्या किया, इन दोनों बॉल्स पर चार्ज ला दिया, लेट्स सपोज पॉजिटिव और पॉजिटिव, और जैसे ही वो इस बॉल को इधर कनेक्ट करता है चार्ज सारा फ्लो कर इधर आया पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया। जब इस पॉजिटिव को रिपेल किया तो ये जो ऐसे पड़ा था ये ऐसे घूम कर आया, जब ये ऐसे घूमा तो इसकी वजह से टॉर्शन घुमा ऊपर, स्प्रिंग घुमा जिससे एंगल बना, और एंगल से फिर उसने कैलकुलेशन किया, उसने देखा कि भाई हमारे पास जो फोर्स है ड्यू टू स्प्रिंग की वजह से वो बराबर हो जाती है फोर्स ड्यू टू लेट्स सपोज सी से हम कूलम कह लेते हैं कूलम फोर्स के। तो इस तरह फिर इसने फोर्स कैलकुलेट की, फिर उसने चार्ज की दर मकदार बढ़ाई, फिर कम की, फिर डिस्टेंस ज़्यादा किया, फिर डिस्टेंस कम किया, और उसके बाद फिर उसने अपना लॉ बनाया कूलम लॉ। कूलम लॉ के मुताबिक यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वो जो फोर्स उसको वो नाम दे रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है जी, लेकिन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई बाबा क्या बोला, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, लो बाबा क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इसमें एक नई टर्म है ये स्क्वायर वाला फैक्टर। तो ये फिजिक्स में हम इस स्क्वायर वाले फैक्टर को बोलते हैं
इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं सिंपल सी जुबान में आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ समझाऊँ ना, तो ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी चीज़ दूर जाती जाएगी, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो उसके स्क्वायर फैक्टर की वजह से उसकी मकदार में स्क्वायर टाइम्स कमी आती जाएगी। यानी कि अगर लेट्स सपोज मैं किसी चीज़ को उसकी असली लेवल से दो गुना दूर करूँगा, तो स्क्वायर टाइम्स उसके टोटल आंसर में आंसर कम हो जाएगा। यानी कि जो दो गुना दूर की तो दो गुना होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, चार गुना। तीन गुना दूर कर दी, आंसर नौ गुना कम होगा। चार गुना दूर की, आंसर सोलह गुना कम होगा। इसको कहते हैं स्क्वायर लॉ। अब हम जरा मैथमेटिकली कूलम्स लॉ को इधर डिराइव करते हैं और देखते हैं कि कूलम लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेट क्यू वन एंड क्यू टू बी दी टू चार्जेस, और इनकी वैल्यू यानी कि इनके यूनिट्स कूलम में, एंड आर बी दी डिस्टेंस बिटवीन देम इन मीटर्स। तो अगर डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास है जी Q1 भाई, ये हमारे पास है जी Q2 भाई, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है जी R। लेट्स सपोज ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। तो वी नो दैट कि ये दोनों पॉजिटिव, एक दूसरे में दुश्मनी जाहिर करने के लिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कूलम के मुताबिक अगर Q1 मैग्नीट्यूड है चार्ज Q1 का और Q2 मैग्नीट्यूड है चार्ज Q2 का, तो जो फोर्स बननी है वो डायरेक्टली होगी Q1 एंड Q2। फोर्स आल्सो इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो स्क्वायर कर दिया हमने डिस्टेंस का, तो नेट जो आंसर बनेगा डायरेक्टली Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वी नो दैट अगर इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो F एक इक्वल आएगा, एक हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगा, इंटू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। और ये फुल फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है इधर से कन्वर्ट होकर कुछ यूं बनेगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये कांस्टेंट है भाई, और कोई भी कांस्टेंट एक नंबर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है इस कांस्टेंट के की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी फार्मूला में एक्सप्रेशन में हमेशा बाई एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट की जाती है। तो कूलम ने भी करके दिखाई, कूलम ने कहा भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो कूलम ने क्या किया, कूलम ने कहा कि अगर आपके पास जो Q1 है और जो Q2 है, ये आप 1 कूलम ले लो और इनके दरमियान का डिस्टेंस 1 मीटर ले लो, तो इस फार्मूले इस तो इन वैल्यूज को आप फार्मूले में पुट करो तो आपके पास आंसर क्या बनेगा। हमने कहा भाई क्या है, F इज इक्वल टू है जी के क्यू वन, वन कूलम ओवर 1 मीटर का स्क्वायर, तो इस पूरे का आंसर बनेगा जी 1। तो आंसर बनेगा के F इज इक्वल टू K, और उस वक्त K की जो वैल्यू उसके कैलकुलेशन के मुताबिक वो जो स्प्रिंग की फोर्स से बैलेंस करने के वक्त जो आ रही थी वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आ रही थी। अब ये आ गई इसकी वैल्यू, लेकिन इसके अब यूनिट भी होंगे, तो यूनिट हम इसके फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू F R स्क्वायर Q1 Q2 F न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम कूलम, तो ये बन जाएंगे जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो के है वो सही मायनों में बनता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट के है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। दूसरा मीडियम बिटवीन दी चार्जेस, जो पहला है ना फैक्टर वो तो इजीली आपको समझ आ गया होगा, बिजाइड सी बात है यूनिट डिफरेंट करेंगे तो इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज आएगी, कन्वर्जेंस होगी, तो आंसर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना ये कंफ्यूजिंग है,
ये कहता है कि भाई ये मीडियम पे डिपेंड करता है जो दो चार्जेस के दरमियान में है। अब जरा हमने वो देखना है कि वो मीडियम बदलने से के की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। अगर मैं के को जरा ओपन फॉर्म में लिखूं तो के जो है हमारे पास वो है असल में के इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है जी। और ये क्या चीज है, ये एक नई टर्म है, इसको देखते हैं ये क्या है। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको अगर हमने प्रोनाउंस करना है तो हम इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ये एक ग्रीक लेटर है। अब ये है क्या, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्यों है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं और इसका एक और नाम भी है, वो और नाम है जी, इसको साथ बोला जाता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट इसका मतलब है इसकी एक वैल्यू होगी जो कि फिक्स होगी। इसकी वैल्यू है हमारे पास −8.85×10⁻¹2। तो अगर यूनिट देखना है तो ये उधर चले जाएंगे तो सारे इनवर्स हो जाएंगे, ये सारे यूनिट इनवर्स हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा C² per meter per Newton। इसके एक और यूनिट भी बनते हैं 8.85×10⁻¹2 फैरड पर मीटर। ये यूनिट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स आएंगे तो उधर हम पढ़ेंगे इन यूनिट्स को। इजाजतनामा, अगर आपने कहीं से जाना है तो आपको उधर से जाने के लिए परमिशन चाहिए, वो परमिशन वो मीडियम देते हैं। जैसे कि अगर इधर एक चार्ज पड़ा है, एक चार्ज इधर पड़ा और इनके दरमियान में मैं कोई मीडियम रख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं रबड़ रख देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ धक्का मारने के लिए जो उसने फोर्स मारी रिपल्शन की, अब उस फोर्स ने इसमें से गुजरना है। अगर तो ये मीडियम खुली इजाज़त देगा तो फोर्स शायद पूरी लगे, कम इजाजत देगा तो फोर्स कम लगे। तो ये जो गुजरने की इजाजत है इसको इधर नाम क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी। और ये डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो इसकी ये वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट की गई, ये किसने की, ये भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है और ये कैलकुलेशन हुई है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है। जब मैक्सवेल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे निकलती है वैल्यू। अब हमारे पास जो कूलम लॉ है वो कुछ यूं लिखा जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square। तो फुल फॉर्म अब हमारे पास कूलम लॉ की ये है। लेकिन हमारा वो जो क्वेश्चन था कि जो के है ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सपोज हमारे पास भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके दरमियान में ये एक रख दिया मीडियम। ये मीडियम मोस्टली हमारे पास होता है इंसुलेटर, और इस इंसुलेटर को हम नाम देते हैं इधर डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है ये आगे जाके पढ़ेंगे। और ये इंसुलेटर क्यों रखा, कंडक्टर भी तो रख सकते थे, कंडक्टर इसलिए नहीं रख सकते, अगर कंडक्टर रख देते हैं तो ये चार्ज उस कंडक्टर में से पास हो जाएगा। इंसुलेटर एक ऐसी चीज है जो दोनों चार्जेस को दूर दूर रखेगा, यानी कि इनकी लड़ाई नहीं होने देगा। अगर चार्ज रख दिया इधर मैंने, इनके दरमियान में कंडक्टर रख दिया, तो वो लड़ाई प्रॉपर करवा देगा। अगर तो ये ऑपोजिट हुआ तो वो इसके अंदर से होकर उसके साथ बिल्कुल जा मिलेगा, तो इसलिए हमने क्या रखा, इंसुलेटर। ये जो डाइइलेक्ट्रिक है यही वो इंसुलेटर, यानी कि ये डाइइलेक्ट्रिक असल में या इंसुलेटर हमारा क्या है, वो मीडियम जो हमने दो चार्जेस के दरमियान में रख दी। जब हम इस मीडियम को रखेंगे तो दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्स कुछ फैक्टर से कम हो जाती है,
क्योंकि डिफरेंट मीडियम की इजाजतनामे मुख्तलिफ है। अगर किसी का ज्यादा है तो होगी, लेकिन फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होती है। तो के जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के इज इक्वल टू 1/4πε0 से चेंज होकर के इज इक्वल टू 1/4πε0εr में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर ये जो एप्सिलन आर है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू किसी के मुकाबले में, और किसके मुकाबले में, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो वैक्यूम के मुकाबले में रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, हमारे पास ये होता है जी एप्सिलन एम, यानी के परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर होता है एप्सिलन नॉट, फ्री स्पेस या फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो एप्सिलन आर क्या होगा, एप्सिलन आर होगा हमारे पास, तो एप्सिलन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एयर के लिए फॉर एयर ये ऑलमोस्ट वन आती है, उसकी वजह कि जो एयर की मीडियम की और फ्री स्पेस की वो दोनों सेम है, तो सेम वैल्यू को सेम पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, वन। और दूसरी चीज, चूंकि ये एक रेशियो है और रेशियो के कभी भी यूनिट्स नहीं होते, अब हमारा कूलम ला कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0εr Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, अगर हमारी फोर्स किसमें है, मीडियम में। और अगर फ्री स्पेस है तो यही फार्मूला पहले ये था, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये फोर्स फ्री स्पेस वाली है। तो क्या इस फार्मूले को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/εr 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये जो चीज है ये किसके बराबर है जी, एफ नॉट के। तो जो हमारे पास न्यू फार्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/εr इंटू एफ नॉट, या आप इसे ये कह सकते हो कि जो एप्सिलन आर है वो बराबर आ जाएगा फोर्स विदाउट एनी मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ मीडियम। और इसका आंसर अगर वन से बड़ा है, इट मींस इसका आंसर मोस्टली मटेरियल्स में वन से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि फोर्स हमेशा अपनी वैल्यू को कम कर लेगी जब हम दो चार्जेस के दरमियान में एयर फ्री स्पेस के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम रखेंगे। तो जो फोर्स की वैल्यू, तो जो फोर्स की वैल्यू है इन फ्री स्पेस वो हमेशा ज़्यादा होगी फोर्स की वैल्यू से जो कि कभी किसी मीडियम में मेजर की जाएगी। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक जार है, इस जार में इस तरफ भी एक चार्ज को बाउंड करके रखा हुआ है और इस तरफ भी एक चार्ज को बाउंड करके रखा हुआ है, यूं करके एक चार्ज इधर है Q1, एक चार्ज इधर है Q2, इनके दरमियान में जो फोर्स है वो एफ नॉट है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा इस जार के अंदर इधर वाटर ऐड कर देता, तो वाटर एक मीडियम है, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, तो ये प्योर वाटर ऐड कर देगा, तो अब अगर आप फोर्स को मेजर करोगे तो फोर्स की वैल्यू पहले की वैल्यू से कम हो जाएगी। तो आपने वाटर का क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो विदाउट मीडियम डिवाइडेड बाय मीडियम वाली फोर्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर आप गौर करो तो आप देख रहे हो हम यहाँ पर बार बार फोर्स का नाम यूज कर रहे हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होती हैं, एक
मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज भाई डायरेक्शन। हम अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स की दूसरी चीज क्या हुई? डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन कौन निकालेगा? हम ही निकालेंगे भाई। और कैसे निकालेंगे? फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स का वो ये था, एफ इज इक्वल टू, अब मैं फ्री स्पेस वाले ही लिखूंगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास जी दो चार्जेस हैं, लेट्स सपोज Q1, लेट्स सपोज Q2, ये इसे रिपेल कर रहा है, ये इसे रिपेल कर रहा है। इसकी फोर्स जो इस पे लग रही है वो फोर्स होगी 2-1, और जो इसकी फोर्स इस पे लग रही है वो होगी F12, और दोनों वेक्टर्स हैं और साथ इनकी क्या आ रही है? डायरेक्शंस। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए साथ इसके इधर क्या लगेगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इधर हम साथ लगा देंगे इसके यूनिट वेक्टर। तो ये वो फोर्स है जो 1 चार्ज लगा रहा है 2 पर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? R12। और जो R है वो क्या होगा? R बराबर होगा हमारे पास 1-2, R बराबर, और जो R है, और जो R है 1-2 वो किसके बराबर होगा? कि R2 - R1। लेकिन हमें तो चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? कि R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड R21 - R1 ओवर R12, यही बनेगा। तो क्या ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है? ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर इसके साथ साथ एक नई चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, साडा हक एथे रख। वो क्या? कि यहां पर जो नई चीज इन्वॉल्व हो जाएगी वो होगा आपका न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो फिर इसकी फोर्स क्या होगी वो भी लिख लेते हैं। वो होगी F21 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर पर, साथ इधर क्या आ जाएगा? R21 यूनिट वेक्टर। तो R21 क्या होगा? R1 - R2, और हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 ओवर R21 का मैग्नीट्यूड R1 - R2 ओवर R21। अगर हम देखें तो दोनों का दरमियान का डिस्टेंस सेम है, तो R21 इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा R12। तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये यूं लिखा जा सकता है -R2 - R1 डिवाइडेड बाई R12। और अगर ये देखो तो ये किसके बराबर है? ये वाली चीज R12 यूनिट वेक्टर के। तो इसके मुताबिक हमारे पास R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12 यूनिट वेक्टर। तो अगर हम फोर्सेस की सेंस में लिखें तो मैं इधर फोर्सेस की सेंस में लिख देता हूं कि जो फोर्स है R21 वो बराबर होगी R12 के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जी हमारे पास लास्ट इसका पोर्शन आता है, वो ये कि अगर आपके पास भाई मल्टीपल चार्जेस हों Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, तो आप उनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर है, और हमें उसे कैसे अगर आपके पास भी मल्टीपल चार्जेस हों तो उन्हें आपने ऐड करना है। अब उनको ऐड करने के लिए आपको कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर। अगर आपके पास भाई मल्टीपल चार्जेस हैं और आपने उनके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है कितनी लग रही है एक चार्ज पर, तो आप कैसे करोगे कैलकुलेट? क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इधर क्या करेंगे? विक्टोरियल एडिशन करेंगे। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक कैसी क्वांटिटी है,
म्यूचुअल। तो उसके लिए हम एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो उसको इस्तेमाल करके हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो कि बराबर आएगी F इज इक्वल टू F वन टू यानी कि चार्ज वन का दूसरे चार्ज से इंटरेक्शन प्लस F वन थ्री पहले का तीसरे के साथ F वन फोर पहले का चौथे के साथ एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास F वन पर यानी कि इस तरह हमारे पास चार्ज वन पर जो नेट फोर्स लगेगी वो हमें मिल जाएगी। और ये वेक्टर एडिशन है, मींस कि हम इन्हें फैक्टर की सेंस में ऐड करेंगे, यानी कि इस एडिशन से हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा नेट फोर्स का प्लस उसकी क्या मिलेगी डायरेक्शन। तो लो बच्चा लोग, यहाँ पर हमारा कूलम्स लॉ का टॉपिक एंड हो जाता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।